भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच फ्रांस ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ले ने कहा, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा जताई है। उन्होंने रक्षा मंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि वह दोनों के बीच जारी बातचीत पूरी करने को इच्छुक हैं। पर्ले ने कहा है कि भारत और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा है, राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर वह उनसे मिलने को तैयार हैं। बाकी की बची हुई बातचीत को पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने अपने पत्र में गलवान घाटी में हुए शहीद हुए भारतीय जवानों को परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने लिखा है, यह जवानों उनके परिवार वालों और देश के लिए एक झटका है। इस मुश्किल घड़ी में मैं दोस्त भारत के प्रति फ्रांस सेना की तरफ से दोस्ती प्रकट करती हूं। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मेरी श्रद्धांजलि पूरी भारतीय सेना और शहीदों के परिवार वाले को दें। गौरतलब है कि भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा कर चुका है। 27 जुलाई को अम्बाला एयरबेस में भारत को 6 राफेल विमान मिलने वाले हैं। पहले केवल 4 लड़ाकू विमान ही आने वाले थे, लेकिन अब फुली लोडेड 6 राफेल आएंगे। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच यह काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।